हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह के जबलपुर नाका पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहे पंचकल्याणक एवं गजरत महोत्सव में शामिल हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से जमा हुए जैन धर्मावलंबियों के बीच मंत्री पटेल ने जैन मुनियों से आशीर्वाद लिया और धार्मिक रीति रिवाज भी पूरे किए। इस मौके पर मंत्री पटेल ने कहा कि जैन धर्म त्याग तपस्या की सीख देने वाला है और लोग किसी भी पूजा पद्धति को निभाने वाले हों उन्हें इस धर्म से सीख लेना चाहिए। अब वो बेचारा वहाँ लड़ रहा है, आत्महत्या कर रहे, मर रहे, कोई सुनती नहीं। इतना ज्यादा भूत सवार होता उस लड़की के ऊपर जो वो माँ बाप की सुनने की। बहुत अच्छा सुझाव है, आज ही मैं पंडित जी से मिलूंगा तो उनसे भी कहूँगा। प्रधानमंत्री की बजाय कहने की जरूरत है ना, गृहमंत्री जी को जरूर अमित भाई को ये बात कहेंगे। मुझे लगता है ये व्यवहारिक तरीका है, यदि कोई स्वतंत्र फैसला करे तो उसके लिए आयु हो सकती है और मैं मानता हूँ कि ये ठीक दिशा में सुझाव है। देश में चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, उन सबको इन मुद्दों पर विचार तो करना पड़ेगा। राज्य सरकारें अलग अलग ढंग से भी जी ऐसे अनुष्ठान हैं जहाँ पर आत्मा से परमात्मा की तरफ अग्रसर होने की प्रक्रिया की तरफ जैन मुनि पूरे समाज को प्रेरित करने का काम करते हैं। वो स्वाभाविक है कि जब ऐसे अनुष्ठान हों तो हम भले किसी भी पूजा पद्धति या साधना के मार्ग को मानते हों, मुझे लगता है कि सनातन इस बात की अनुमति देता है कि हमें ज़रूर सुनना चाहिए, और यही चीज़ें हैं जो समाज को बांध कर रख पाती हैं। गतिविधियाँ धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं तो वातावरण हमेशा ऊर्जावान और अनुकूल और सकारात्मक बनता है, ये बिल्कुल तय है और स्वाभाविक है। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे क्षेत्र में अनुष्ठान हो रहा था तो मैंने तय किया था कि जाकर प्रणाम करके आए, और महाराज जी से हमारा बहुत पुराना, जब मैं शिवनी का सांसद थे तब से हमारा उनका सत्संग रहा है। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं जहाँ हैदराबाद चलाया है वही दमो में नगर पालिका अध्यक्ष नेताओं ने के साथ इस हादसे पर नेताओं ने गहरा दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के शोक संतप्त परिवारों की संवेदना व्यक्त की है। यूनियन बैंक के बाजू से राय चौराहा दमो में उपलब्ध रहेंगे।